प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान में है। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने गए मोदी की तारीफ जापान के बिजनेसमैन भी कर रहे हैं, तो चीन इस बात से टेंशन में है। बताते हैं आखिर क्वाड है क्या और चीन इससे क्यों कांपता है। उससे पहले ये जान लीजिए, भारत की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि रूस और यूक्रेन मामले में भारत को धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति भी मोदी की तारीफ करते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में कामयाबी हासिल की है। बाइडेन ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 के मामले में वो नाकाम रहा। क्वाड सम्मेलन में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर बदले बदले से नजर आए, तो चीन भी घबराया हुआ नजर आया। तो आप समझिए कि आखिर ये क्वाड है क्या। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये चार देशों का एक संगठन है जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये चारों देश इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ अन्य समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन के तौर पर की थी। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप दिया। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर चिंता की लकीरें छाने लगती है। यहां तक कि चीन इसे एशिया का नाटो भी कह चुका है। चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल चारों देश यानी कि भारत, अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी रणनीतिक साजिश को रच रहे हैं, इसलिए क्वाड का नाम सुनते ही चीन के माथे पर सिकन आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।